जी तपस मंडल, वेलकम टू होम ऑफ लर्निंग। तो बहुत दिन वेट करने के बाद फाइनली हम लोग देखें आसाम जीडीएस की रिजल्ट रिलीज हुआ। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट था 919। तो आसाम जीडीएस रिजल्ट रिलीज होने के बाद बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिनके पास बहुत ही हाई मार्क्स हैं, जैसे 85+ मार्क्स हैं। बहुत सारे ऐसे भी कैटेगरी हैं SC ST कैटेगरी जिसके पास 82% 80% प्लस मार्क्स हैं, फिर भी सिलेक्शंस नहीं। तो रिजल्ट पब्लिश होने के बाद भी मेरी लिस्ट पे आप लोगों के नाम नहीं है, उसके बाद भी आप लोग होप रख सकती हो। कैसे होप रख सकती हो मैं डिटेल्स में डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करो एंड बेल आइकन को भी प्रेस करो एंड ओबियसली लाइक भी कर दो यार एक। तो चलो शुरू करते हैं। एक्चुअली सेकेंड मेरी लिस्ट एग्जिस्ट नहीं करता, इट डजंट एग्जिस्ट, लेकिन आप लोगों के फिर भी होप है। क्या होप है देखो, कोई भी स्टेट का जो रिसेंटली रिजल्ट रिलीज हुआ ना, जैसे आप वेस्ट बंगाल का यहाँ पे कंसीडर कर सकती हो, वेस्ट बंगाल या यूपी या एमपी, कोई भी आप सर्किल का जो रिसेंटली रिजल्ट पब्लिश हुआ 2-3 मंथ पहले, वही कंसीडर अगर करोगे तो अभी भी आफ्टर 3 मंथ्स आफ्टर 4 मंथ्स कैंडिडेट को मैसेज आ रहा है यू आर सिलेक्टेड। उसके बाद 15-20 डेज बाद इंटीमेशन लेटर भी आ रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो रहा है। तो एक्चुअली एक क्यों मौका मिलता है सारे कैंडिडेट्स को जो वेटिंग लिस्ट पे हैं, वो सारे कैंडिडेट को क्यों मौका मिलता है? आप सोचो, कोई भी एक कैंडिडेट हैं जिनके पास 84% मार्क्स हैं, अगर आसाम के बात करें, क्योंकि आसाम में अलग स्टेट के साथ अगर कंपेयर करें तो बहुत ही लो मार्क्स में बहुत सारे कैंडिडेट का सिलेक्शन हुई है। सोचो कोई भी एक कैंडिडेट का 84% मार्क्स हैं, लेकिन जिसका सिलेक्शन हुआ वही डिवीज़न में वही मतलब पोस्ट के लिए 85% पे सिलेक्शन हो गया। अब 85% पे जो बंदा सिलेक्ट हुआ उस बंदा के सारे राइट डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है, या और भी कुछ कारण हो सकता है। तो एक एक करके मैं डिटेल्स में यहाँ पे डिस्कस करूँगा क्या कारण हो सकता है जिसके लिए आपको मौका मिल सकता है सेकेंड मेरिट लिस्ट में। फिलहाल सेकेंड मेरिट लिस्ट बोलना ठीक नहीं होगा, लेकिन हमें एक टर्म चाहिए एक्चुअली एक्सप्लेन करने के लिए, इसलिए हम बोल सकते हैं सेकेंड मेरिट लिस्ट। सोचो आप एक कैंडिडेट हो, आपके पास 84% मार्क्स है लेकिन आपका सिलेक्शंस नहीं हुआ, लेकिन उस पोस्ट के लिए 85% पे सिलेक्शंस हो गए और एक कैंडिडेट का। आप देखो उस कैंडिडेट जब फॉर्म फिलअप किए थे उनके फादर के नाम भूल लिखे थे, या डेट ऑफ बर्थ भूल लिखे थे, या जेंडर भूल लिखे थे, या खुद के नाम भी भूल लिखे थे, या मतलब आप सोच सकते हो जो मेमो नंबर है क्लास 10 का वो भी भूल लिखे थे, कोई भी एक भूल लिखे थे। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है डेविएशन टू दिस इज लाइबल फॉर द रिजेक्शन ऑफ द कैंडिडेचर। तो यहाँ पे कैंडिडेचर रिजेक्ट हो सकता है कोई भी यहाँ पे भूल करोगे तो, क्यों और भी कारण हो सकता है। अगर सोचो कोई भी कैंडिडेट डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन किए हैं, दो बार रजिस्ट्रेशन करके बैठे हैं, तो वहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल हो सकता है, रिजेक्ट हो सकता है। तो उसके बाद आपको मौका मिलेगा, मतलब आप 84% आपके पास है मार्क्स तो आपको मौका मिलेगा। अच्छा, आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है, बहुत सारे कैंडिडेट का मार्क्स तो 80+ हैं, तो जिन सारे कैंडिडेट का मार्क्स 80+ है लेकिन सिलेक्शन नहीं हुई ओबियसली कमेंट करो। अच्छा, नेक्स्ट जो बोलूँगा इसको बहुत से ध्यान से सुनो, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है देखो 10th स्टैंडर्ड पास होना होगा, एंड ये जो मतलब बोर्ड है, मतलब आप पास 10th स्टैंडर्ड पास सर्टिफिकेट जो सबमिट करोगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम, या मतलब फॉर्म फिलअप के टाइम भी वो अपलोड कर चुके हों, एक्चुअली वो सर्टिफिकेट एक्चुअली रिकॉग्नाइज होना पड़ेगा बाय द बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट्स या यूनियन टेरिटोरीज इन इंडिया। अब बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी होता है जिनके पास मार्क्स रहता है 95% 92%, लेकिन एक्चुअली ये जो सर्टिफिकेट है, अब बहुत सारे ये जो ओपन वाला सर्टिफिकेट होता है ना, ये एक्चुअली रिकॉग्नाइज नहीं होता, ओके, बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बाय द स्टेट गवर्नमेंट और द यूनियन टेरिटोरीज इन इंडिया। तो यहाँ पे क्या होता है, डिस्क्वालीफाई हो जाता है, कैंडिडेचर कैंसिल हो जाता है, तो आपको मौका मिलता है, ठीक है। आप यहाँ पे और एक चीज़ है, लोकल लैंग्वेज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे आउटसाइडर्स, मतलब दूसरा स्टेट से जो आसाम में या मतलब वेस्ट बंगाल में या अलग स्टेट में अप्लाई कर देते हैं, वो क्राइटेरिया देखते नहीं है, लोकल लैंग्वेज का जो ज्ञान है वो भी देखते नहीं है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कैंडिडेट को 10th स्टैंडर्ड तक लोकल लैंग्वेज, एटलीस्ट 10th स्टैंडर्ड तक लोकल लैंग्वेज यहाँ पे स्टडी करना पड़ेगा, नहीं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होगे उन सर्किल के लिए। मतलब आप सोचो अगर आसाम की बात करें तो आसाम, अगर हम बारक वैली या बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल एरिया को छोड़ दें तो आपको आसाम लैंग्वेज जानना पड़ेगा। मतलब क्लास 10 तक आपके, आप जब स्टडी करोगे क्लास 10 तक या उससे भी ज़्यादा हो सकता है 12 तक, तो आपको एज ए कंपलसरी या इलेक्टिव सब्जेक्ट
आपको लोकल लैंग्वेज पढ़ना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा। अगर हम बात करेंगे बारक वैली का 3 डिस्ट्रिक्ट पे, तो वहाँ पे बंगाली स्टडी करना पड़ेगा। या अगर हम बात करेंगे बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल एरिया, वहाँ पे बोडो लैंग्वेज आपको स्टडी करना पड़ेगा। अगर एक क्राइटेरिया फुलफिल होता है तभी वो जो कैंडिडेट हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पास हो जाएगा, अदरवाइज वो वहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा और आपको मौका मिल जाएगा। तो ऐसे करके सेकेंड मेरिट लिस्ट ए टर्म हम यूज़ करते हैं, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे हैं। और एक चीज़ नोट करना पड़ेगा, बहुत सारे कैंडिडेट के पास EWS सर्टिफिकेट नहीं है। तो EWS सर्टिफिकेट जिसके पास नहीं है तो वो सारे कैंडिडेट क्या करेगा, वो सारे कैंडिडेट को एक्चुअली एक टाइम पीरियड दिया जाएगा। इस टाइम पीरियड के अंदर आप EWS सर्टिफिकेट सबमिट करो, अदरवाइज आपका कैंडिडेट जो है कैंसिल हो जाएगा। यही सेम जो रूल है यही अप्लाई होता है बहुत सारे कैंडिडेट के पास जिसके पास सिर्फ स्टेट सर्टिफिकेट है, स्टेट OBC सर्टिफिकेट, स्टेट SC सर्टिफिकेट, स्टेट ST सर्टिफिकेट, लेकिन सेंट्रल SC ST या OBC सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं है एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो उन लोगों के लिए भी एक मतलब मौका मिलता है कुछ पीरियड के लिए, कुछ टाइम पीरियड के लिए उन लोगों को बोला जाता है आप इस टाइम पीरियड के अंदर अपना जो सेंट्रल गवर्नमेंट दिया रहा इशूड सर्टिफिकेट है उसको सबमिट करो। अगर वो सबमिट नहीं कर पाएगा तो वहाँ पे भी कैंडिडेट कैंसिल हो जाएगा, तो मौका मिलेगा आपको। तो ये सारे चीज़ आपको ध्यान रखना है और आपको वेट करना है एंड जो अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसके लिए प्रिपेयर भी होना है। सो दिस इज द एंड ऑफ द डिस्कशन, होप यू ऑल एंजॉयड द डिस्कशन, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।